आज शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा पुरानी शिक्षण पेंशन बहाली को लेके मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और कल 25 तारीख से 25, 26, 27 महाहड़ताल महाबंद का आह्वान है। विद्यालय एवं कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे, विद्यालयों में ताले डले रहेंगे और सभी कर्मचारी शिक्षक साथी हमारे तहसील मुख्यालय पर 25, 26 को धरना देंगे और 27 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। केवल एक मांग, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। सांसद, विधायक, मंत्री सब पाए पुरानी पेंशन, हम पाए नई पेंशन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक मांग, केवल पुरानी पेंशन। हम पुरानी पेंशन को लेकर बात कर रहे हैं। हमको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट का पुराना सर्कुलर है उसपे, उसी के आधार पर मिलेगी। अभी कोई निर्णय नहीं है, अभी निर्णय यह है कि जब तक सरकार पेंशन नहीं मान लेगी तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। पुरानी पेंशन बहाली मंच जो बना हुआ है उसके बैनर तले आज हम लोगों ने जन जागरण किया है। एक बाइक जुलूस भंडारी से निकलकर कटेक तक हुआ है, मेन रोड से आता हुआ। हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो NPS उन्होंने जारी किया उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। कितनी संस्था के लोग इसमें जुड़े थे, कितनी संख्या? इसमें पूरे जिले के हर कर्मचारी वर्ग के लोग मौजूद थे, पूरे जिले में कोई छूटा नहीं था। पुरानी पेंशन बहाली मंच का मतलब ये है कि पूरे जिले के जितने कर्मचारी संगठन है सारे एक साथ हो गए। मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी चल रही थी, हाँ, तो क्या हुआ उसमें? मुख्यमंत्री जी से वार्ता में उन्होंने जो बातें की है, अब हमारी कार्यकारिणी प्रदेश की 2 बजे से बैठक करेगी, जो निर्णय लेगी वो आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी 25, 26, 27 हड़ताल रहेगी।